Hey fam, welcome back to the 10th Star. So we are back again with another video and Elvis Yadav versus Dhruv Rathi. जो सीन चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आज हम लेके आ गए एटीट्यूड वीडियोस इन दोनों की एंड मेजरली एल्विश यादव की, तो मजा आने वाला है वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करो। एंड जिसने वो वाली वीडियो देखी जाके देखो, कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट करा, कुछ लोगों ने सही करा, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं है, जो भी है जाके देखो, अपनी बुद्धि खुद लगाओ। लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो, गो चेक दैट आउट। ध्रुव राठी की वीडियोस ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो क्या करता था धीरे धीरे माइंड वॉश करता पब्लिक का, छोटे बच्चों को जो देखते हैं उसके पता नहीं लग पाता कि ऐसा लगता सही कह रहा है, बट अगर ढंग से सोचे ना वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता, मतलब अगर ढंग से देखे, वैसे नहीं कोई काम कमी नहीं निकाल सकता, बट कोई ध्यान से अगर रिसर्च करे कि भाई इसने ये बोला ये बोला, तो वो चीज़ मैंने पकड़ ली। मगर यार ये तो बेवकूफ बना हुआ आदमी का। यादव एक यूट्यूबर जो अपनी ट्विटर बायो में अपने आप को हिंदू बताता है, लेकिन अपने वीडियोज में शिव के प्रसाद को गांजा से कंपेयर करता है, कहता है पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ो। ये भाई ये एल्विस स्मिथ, ये भाई आशीर्वाद देते हुए पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्द अभी ले, कहते मीटअप कर देते हैं। मैंने कहा चलो मीटअप ही करा भाई, तो भाई रात सीन तो अगले दिन मीटअप कर लिया हमने, मतलब एक कैफे कूफे देख के आ गए। मैंने कहा अगले दिन कर लेते हैं, मुझे पता भी नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कितने, मैं कहा ज्यादा ज्यादा 300-400 आदमी आ जाएंगे, कोई बता रहा कि भाई बड़ा वो आया था तब उसके 500 आदमी आए थे, मैं कहा हमारी में भी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे थोड़े से। तो गॉड फटरी सुबह सुबह जब मीटअप था कि भाई लोग भाई नहीं आए, लोग फिर फोन ऑन लग गए, भाई लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कितने लोग तो भाई 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। तुमने कर दिया अधपार, तुम दिखा रहे हो अपना आपको आवाज बहुत तगड़े वाले, मेरे घर आ रहे हैं जोगिंदर, घर आ रहे हैं जोगिंदर को ढूंढने के लिए, तुम्हारी कोई ना बुद्धि लाल ना करता मार मार के, अगली बार थोड़ा सोच के आना। मेरा गांव के बालक भाई बहुत ही तगड़े आदमी है, टेढ़े दिमाग से भाई गाड़ी पैदल भेजेंगे। अच्छा तो जितने भी व्यूअर्स हैं अब तुम उसके सब्सक्राइबर हो के मेरे को गाली बकोगे, कोई दिक्कत ना, सब्सक्राइबर हमारे द्वारा भी है, भगवान की दया ये उल्टा गाली बकेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही ना है। उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के दिन हमें YouTube influencers भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT graduates हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है, मतलब combustion के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए उसे। रुक तेरे को बताते तेरी माँ तेरी रुका। फ्रांस के रहने वाले ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह बताया था कि आमतौर पर हवन आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, और यह गैस खतरनाक बैक्टीरिया व जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध बनाती है। यही नहीं, टोंटीक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर गहन रिसर्च की थी। अपनी रिसर्च में उन्होंने बताया था कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं। एल्विश यादव ने ध्रुव राठी को रोस्ट किया था, जिसके बाद एल्विश ने अपने सभी फैंस से हैशटैग गुड बाय NRI को ट्विटर पर ट्रेंड कराने की रिक्वेस्ट की थी। यार अभी भी दो पे ही है भाई, एक पे लेकर आना, तुम लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, स्वाइप अप करो भाई जितना हो सके ना, जितना भर भर के इसे ट्वीट करो गुड बाय NRI, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना या फिर मेरी में से कॉपी कर लेना, जल्दी जाओ स्वाइप अप करो भाई ट्विटर पे इसको एक पे लेकर। जिसके बाद से हैशटैग गुड बाय NRI ट्विटर में नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था। भगवान कसम आग लगा दी, एक नंबर पे चल रहे हैं ट्विटर पे भाई, स्वाद बांध दिए, कुछ भी कहो मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं, तुम्हें मैं किस्तियां कर दूंगा बहुत सारी, मजा आ गया ट्रेंडिंग एक। जिसके बाद ध्रुव राठी ने
ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि मुझे रोस्ट और ट्रोल करने वालों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि उनकी वजह से मुझे फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है और आप सभी लोग मुझे ट्विटर पर फ्री में ट्रेंड कराते हो, जिसकी वजह से कई नए लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं और उन्हें मेरा एजुकेशनल कंटेंट अच्छा भी लगता है। मैं सभी नए लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। भाई बाहर निकलो यार इन चीजों से, मार पिटाई से। यार मार पिटाई तो सोल्यूशन ही नहीं है। क्या सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है भाई? पिस्टल विस्टल टांग के रखो, सीधा पिस्टल विस्टल टांग के रखो। दैट वाज इट, सीधा ठोक डालने का भाई, बातचीत नहीं करनी। ओके दैट वाज अनदर अमेजिंग वीडियो एंड ये थी कुछ, इसमें कुछ ध्रुवराठी की क्लिप्स थी, कुछ एल्विश की क्लिप्स थी, कुछ एल्विश और जोगिंदर का सीन होता उसकी क्लिप्स थी, लेकिन ओवरऑल बहुत ही जोड़ वीडियो थी, मज़ेदार वीडियो। एंड मुझे लगता है इट्स लाइक मतलब एक तरफ जैसे ध्रुवराठी, एक तरफ एल्विश, तो इट्स लाइक फैक्ट्स वर्सेस टोरा। जो एल्विश यादव का टोरा ना, वो तो ध्रुव मैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि ध्रुवराठी आई थिंक उस चीज़ में थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली बात है एल्विश यादव की पावर ज़्यादा है, एंड एल्विश यादव की लोग सुनते हैं, पब्लिक सुनती है एल्विश यादव की, तो वो अलग है, मतलब है दोनों की। लेकिन यूट्यूब पे सुनना चाहिए अलग है, लेकिन अगर आप पर्सनल जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके कुछ बोलते हैं, वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं लोग, वो अलग चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है वो एल्विश यादव की थोड़ी सी उसमें बाजी मार देता है। मजेदार वीडियो, वी एंजॉयड इट, यस मजा आता है। यू नो व्हाट टू डू, यस एंड हमारी भी सुनते हैं लोग, ऐसा नहीं कर देते, सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। That's it. Let's move on thing. The grind. Yeah, the grind. Take care. Take care. Bye bye.